हमारा मास्क लग रहा है, बता तुम्हें इसमें यस सर, बड़ा अजीब सा बोल रहा है वो। ना। यस सर। अच्छा तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बाकी सब लोगों को आने देते हैं। तब तक मैं एक काम कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आप लोगों के ओके साथ स्क्रीन। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं तब तक। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें किया भी था, और मेरे ख्याल से जो मैंने पीडीएफ दी होगी आप लोगों को उसमें भी अलग क्वेश्चन था, जो आपके पास आई है पीडीएफ। तो जो भी बच्चा आता चला जा रहा है वो एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखेगा। क्वेश्चन दे रखा है आपने भेजिए पीडीएफ। जो लास्ट क्लास की पीडीएफ थी वो तो आई है ना ग्रुप पे। यस सर। यस सर, सर डन। डन हो गया, वेरी गुड। अच्छा मोक्षिका, मोक्षिका जोचना नहीं आया क्या ये अभी तक? सर सर आई है वो चार्ट में लिख रही। चैट में लिख रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? बोलो द नेवर एंडिंग जर्नी। यस सर, माइक नॉट वर्किंग टुडे। तो मतलब आज हमें मोक्षिका हमसे कुछ बोल नहीं पाएंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो कृष्णा तुम बताओ जरा, इसका जवाब बताओ यार। अभी नहीं कब करोगे? जैद ने जवाब दे दिया सर, इसका। हाँ सडन सडन कर डन। दिया, सडनली इन्होंने सडन कर दिया। तो जैद का जवाब आ चुका है। देवांश तुमने भी कर लिया? अरे लास्ट अच्छा कर लो कर लो। मैं बोलूं। नहीं कर लो, पहले कर लो। अनम अनम जो बच्ची थी वो कहाँ है? वही हुई है? नहीं आई हुई है। अर्नब ने भी जवाब दे दिया, वैसे कृष्णा ने भी जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर जवाब दे दिया है, जवाब एक्चुअल में है क्या? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कृष्णा बताना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? बहुत सर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू सही, c1 by c2। सर बहुत ही। हाँ अब आई थी, आवाज़ पे चली गई। सर माइक ऑफ। माइक बहुत ही बढ़िया है आपका। -3 बी -2 इज इक्वल टू 5/3। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले एक आप ए निकाल की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हो और बी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे कंपेयर करके, है यस सर। ना। तो 2a-1/3 इज इक्वल टू 5/3, 3 से 3 उड़ गया, तो 2a इज इक्वल्स टू में 5+1 आ जाएगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, सर यानी कि a इज इक्वल्स टू में 3 आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ की बात भी करेंगे तो -3/ b-2 इज इक्वल्स टू में 5/3। अब ये यहाँ जाएगा यानी कि -9, और ये चीज़ यहाँ जाएगी तो 5b-10 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ फेंक देता हूँ तो कितना आ जाएगा? -9+10 5b आ सेवन जाएगा, प्लस वन तो 5b इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 1/5 बाय 5। आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो कि आप लोगों ने बताई भी है, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है वो 1/5 हो जाएगी। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? नो सर। सर नारायण ने भी जवाब दे दिया, सबसे पहले जैद ने जवाब दिया था इसका। सबसे पहले जो है वो इसमें जैद ने जवाब दिया था। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर मैंने सर अभी अभी ज्वाइन हाँ किया है सर, पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो सर एक बार बता सकते हो सर अभी तक आपने क्या करवाया है? हमने बस ये वाला क्वेश्चन किया है एक, जिसमें दे रखा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, 2a-1 × x-3y = 5, 3x b-2 × y = 3। ये दोनों इक्वेशन जो है वो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि दोनों एक ही इक्वेशन है बेसिकली, दूसरे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई की गई है। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो कंडीशन लगा करके हम लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी थी।
निकाल लिया हम लोगों ने वहां से, बस और कुछ नहीं किया। सर बोलो। सर पैरेलल लाइंस में सर B1/B2 और C1/C2 नहीं होते ना, मतलब इक्वल? नहीं ओके सर। ठीक है, उसमें सिर्फ ये वाला रहता है, A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 रहता है बस। ठीक अच्छा ओके है। सर। अच्छा अब ये देखो एक बार, अगला वाला जो सवाल है, सडन वेरी गुड, सडन अगला वाला सवाल भी डन कर दिया, ये वाला भी डन कर दिया। फाइंड द कंडीशन, सडन फाइंड द, अभी कोई 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 एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा जो जोर जोर से, उसका ऐसा लग रहा है इको हो रहा है, तो क्या है बच्चों इसमें कोई बताएगा मुझे? आप बोल रहे हैं यू हैव अ यूनिक सर। सॉल्यूशन। हाँ बताओ। एम नॉट इक्वल्स टू बी एल। बेसिकली अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू में B1/B2 होता है, यही होता है, यही हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी। अच्छा अब इसी कंडीशन में हम लोग एक बात और यहाँ पर देखेंगे कि जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो हमारे पास ये नॉट इक्वल रहेगा। तो अब आप इसे AM इज नॉट इक्वल टू BL बोल सकते हैं, नहीं तो आप ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर है? सब लोग बोल नहीं रहे हो यार आज। यस सर। ओके अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे अब हम लोगों को बेसिक तो पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। ठीक एक्सचेंज है वो मत करना नेक्स्ट। ठीक है। हाँ बोलो। सर अब तक कितने क्वेश्चन हुए सर? मेरा नेटवर्क की दो इशू आ रहा था तो दो नहीं निकल रहा सर। एक बार दो पीछे क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दो। सर इससे पहले भी है क्या? नहीं सर अब करना है। अच्छा एक सेकंड नहीं सुन। नॉट नॉट इक्वल टू BL, AM इज नॉट इक्वल टू, वेरी गुड। अर्नव ने सबसे पहले वैसे दिया था इसका जवाब, है ना। बढ़े आगे। यस सर। ओके सो इसका जवाब कौन बताएगा? ये वाला सवाल जो है आप लोगों के पास 2017 में पूछा गया था बोर्ड्स में, तो आपको इसका जवाब देना है। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत बेहद ही इजी सवाल है। तो उसको बस ये बताना है कि करना है कैसे आप लोगों को सॉल्व। सर एक मिनट, ओके डन हो गया सर। डन सर। एक मिनट वन वन आ रही है दोनों की वैल्यू। सर 2 मिनट टाइम दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ले ले लो टाइम, ले लो पहले आप लोग कर लो उसको सॉल्व। सडन ठीक है, डन। सर 1,1 आ रहा है। एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की भी 1। ओके दोनों की वैल्यू बना रही है। अच्छा किस तरीके से सॉल्व किया एक बार कोई बताएगा मुझे? हाँ सर मैं बताऊं? सर बताओ। मैं बताऊं? बताओ। चलो नारायण, नारायण नारायण से बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, नारायण बताएगा। यस सर। सर सबसे पहले 1/x को हम a ले लेंगे और 1/y को हम b ले लेंगे,
ठीक है, सर बहुत बढ़िया इसके। बहुत बढ़िया। आप में से कितने बच्चों ने इस तरीके की अप्रोच लगाई है सर मेरा मैंने सर सर सिलेबस वेरिएबल है ना, जरूरी है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आपने इस तरीके का अप्रोच लगाया, क्योंकि इस तरीके के अप्रोच से क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसे वैसे ही नॉर्मली सॉल्व करने बैठेंगे तो उसके बाद ये इधर चला जैसे जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, 11 ए माइनस में 1 बी है ना, इज इक्वल्स टू में 10, यानी कि 11 ए माइनस में बी इज इक्वल्स टू में 10 आ गया। यहाँ से बोल देंगे 9 ए माइनस में 4 बी इज इक्वल्स टू में 5 आ गया। अब अगर आप चाहें तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे भी करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 44 ए माइनस में 4 बी इज इक्वल्स टू में 40, यहाँ आ जाएगा 9 ए माइनस में 4 बी और इज इक्वल्स टू में 5, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट, तो इसमें से 9 गए तो कितना बचेगा, 35 है इज इक्वल्स टू में 35 यहाँ आ गया, कैंसिल आउट हो गया तो ए की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अब ए था कितना, 1/x, अब ए है 1 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। सिमिलरली अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो 11 a माइनस बी इज इक्वल्स टू में कितना था, 10 था। अब a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 11 माइनस बी इज इक्वल्स टू में 10 हो गया। इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 11 माइनस में 10 इज इक्वल्स टू में बी आ गया, तो बी इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बी इज इक्वल्स टू में 1 आ गया, यानी कि 1/y इज इक्वल्स टू में बी हो रहा है, और बी है कितना, बी है 1, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, y की वैल्यू आ गई 1, तो x इज इक्वल्स टू में भी y आ गया, x इज इक्वल्स टू में भी 1 आ गया, और y इज इक्वल्स टू में भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। यू कोई डाउट, डाउट अगर किसी को हो तो बता दो, नहीं है, ठीक है। तो x और y की देख लो, यहाँ पर x की y की वैल्यू यही आ रही है, बड़ा आ गया। एक सेकंड सर, एक मिनट सर, ये क्वेश्चन एक बार और बता दो। देखो इसमें क्या किया है हमने, इसमें हम लोगों ने 1/x, यहाँ से हम लोगों को जो चीज़ सीखने को मिली है, जो हम लोगों को पता चल गया कि अपॉन में दे रखा है, तो 1/x को हम लोगों ने क्या मान लिया, ए मान लिया, और 1/y को हम लोगों ने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो इससे क्या हो गया, नया एक्सप्रेशन मिला, 11a माइनस में बी इज इक्वल्स टू में 10, और एक और एक्सप्रेशन मिला ये 9a माइनस में 4b इज इक्वल्स टू में 5। इससे क्या हुआ कि आपको 1/x और 1/y से निजात मिली, और आराम से जब आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो a इज इक्वल्स टू में ये रख देंगे, और वहां से फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो आसान हो गई ना x की वैल्यू निकालना, क्योंकि रेसिप्रोकल में दे रखा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा इसको। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि ए और बी की टर्म्स में इक्वेशन निकाली, इक्वेशन को में से फिर ए और बी को फाइंड कर लिया, वहां से फिर आप लोगों ने ए को इक्वल रख दिया 1/x के, और बी को इक्वल रख दिया 1/y के, वहां से आंसर निकाल पाएंगे आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है। बताओ हो गया सर? हाँ सर, आपने लास्ट क्लास में कहा था ना अपनी टीचर से पूछने लिखे के लिए कि अगर वो कांस्टेंट इक्वल करके हम कैंसिल करें इस मेथड से करें तो, मैंने पूछा था सर, टीचर कह रही थी कि अगर हम उस मेथड से करेंगे तो हम उसे एलिमिनेशन मेथड नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं है तो आप उससे कर सकते हो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर? मेरी टीचर ने कहा कि अगर हम उस मेथड से करेंगे ना तो उसे एलिमिनेशन मेथड नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर कौन सा मेथड कहेंगे सर? उनका कहना ये था कि एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल्स को करते हैं। मैं वही एग्जैक्टली वही यही बात तो मैंने भी लास्ट क्लास में बताई थी एक्चुअली। एलिमिनेशन एलिमिनेशन का तो मतलब ये होगा कि आप वहां से वेरिएबल को हटाएंगे, क्योंकि वही वही करने के लिए तो आपको यस वही करने के लिए तो आपको पूरा का पूरा मेथड बताया गया हो। यस सर, सिर्फ सिंगल वेरिएबल को रखना होता है। हां तो मैम ने क्या बोला तुम्हारे? सर मैम कह रही थी अगर वैसे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं है ना आप किसी मेथड से निकाल सकते हो तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, आप ऐसे समझो, पता नहीं मुझे क्यों नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता मैम ने क्यों बोला आपके ऐसा, लेकिन एक बात सोचो कि आपको तीन मेथड सिखाए मैंने आपकी बुक में, ठीक है, कॉमन सेंस लगाना, मैंने आपको तीन मेथड सिखाए, तीन मेथड में एक का नाम है एलिमिनेशन, एक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक का नाम है मतलब
सब्स्टिट्यूशन। अब एक बात बताओ, तीनों में से तो कोई सा भी नहीं है वो, यस सर। और सीबीएसई जो चलता है वो अपने वर्क स्केड्यूल के हिसाब से, मतलब कि जो उन्होंने करवाया हुआ है किताबों में दिया हुआ है वो बोर्ड्स में उस हिसाब से चेक करता है। मैं इसलिए बोल रहा था कि एक बार मैम से पूछना, क्योंकि मैम, क्योंकि मैं इतना बोर्ड्स वोर्ड्स को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहता हूँ, लेकिन इसमें एक बेसिक सेंस लग रही है कि अगर कोई चीज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल जाएगी तो वो चेक कैसे करेंगे उसको, और वो चेक क्यों करेंगे उसको जब वो बोलेंगे कि जो चीज़ आपको सिखाई नहीं गई आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो उसमें। बोर्ड का सिंपल होता है भाई, बहुत सिंपल। बापू बोलते हैं अगर हम लिख के आगे तो सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हो सर? अगर हम लिख के आगे तो सर कोई दिक्कत है? आपकी आवाज बहुत गूंज सी रही है, समझ नहीं आई। आप दोबारा बोलो एक बार सर, अगर किसी को समझ में आओ तो बता दो मुझे। अगर हम ये मेथड पेपर में करके आए तो कोई दिक्कत नहीं है? मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आपकी मैडम जो है ना वो ये पेपर सॉल्व नहीं कर, चेक नहीं करने वाली है, ठीक है? ये चेक करने वाला है कोई भी एक अननोन बंदा जो आपको नहीं जानता होगा, ठीक है? वो नहीं जानता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको इससे ज़्यादा चीज़ें पता हैं, उसे ये नहीं पता है, समझ रहे हो? तो एक जनरलाइज वे में सोचो कि तुमको जो जो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में सिखाया गया, जो तुम्हें एलिमिनेशन में सिखाया गया और जो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिखाया गया, तुमको तीन ही मेथड सिखाए गए हैं और तुम कोशिश करना इन तीन मेथड से ही आंसर निकाल के लेकर के आओ, अदरवाइज बोर्ड में कट जाते हैं। वरना बोर्ड में नंबर देंगे उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, वो तुम्हें सोचो खुद से। यस सर, है ना सर? बड़े आगे मैं भी नहीं लिखा हुआ, कुछ चीजें लिखाते हैं तो फिर उसके लिए भी नंबर कट जाते हैं। हाँ, क्लियर है? यस सर। चलिए अब बताओ जरा इसको सॉल्व कैसे करें। देखो अगेन है, वहां पर आपको 1/x रिपीट होता हुआ दिख रहा था, 1/y रिपीट होता हुआ दिख रहा था, यहाँ कुछ अगर इसकी जगह कुछ और दिख रहा है तो उसको कुछ मान लो और बताओ फिर सॉल्व कैसे होगा। किया? यस सर, डन डन। ओके, देखता हूँ जरा यहाँ पर कमेंट्स में किसी ने लिखा है क्या। सर अगर हम लिख कर आएंगे तो दिक्कत है? जैद को, खैर जैद को शायद जवाब मिल गया। अच्छा नारायण, ये वाला जो पिछला वाला था तुमने, हाँ 4/10/4/19, ठीक है ठीक है। अर्नब नहीं दिया इसका जवाब पहले? सर डन। अर्नब ने दिया इसका जवाब, देखते हैं सही है कि नहीं है। पहले तो मानस ने भी दे दिया। अब भाई अब कौन कौन आया हुआ है एक बार क्लास में ये तो बता दो। अनम आ गई है क्लास में, जय करदम है, जय करदम शायद पहले भी थे, मुस्तफा, अनम जी सर। अच्छा तो आपने, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? पिछले वाला जो करवाया था वो आ गया था, 1/x 1/y वाला? बताओ बेटा। जे लो सुनी नहीं लड़की भाई, अब मोक्षिका। यस सर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर।
हाँ बोलो अनम। सॉरी वन वन। मानस चलो एक बार देख लेते हैं भाई। देखो अब तुम लोग क्या करोगे इसमें, अब तुमको पता चलेगा कि वन अपॉन में थ्री एक्स प्लस में वाई, एक तो ये चीज दोनों में दिख रही है मुझे तो मैं इसको ए मान लूंगा, और एक वन अपॉन में थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में इधर मैं इसको एक बी मान लूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, ए प्लस में बी इज इक्वल टू में थ्री बाय फोर हो गई, और एक और इक्वेशन हो जाएगी ए बाय टू माइनस में बी बाय टू और माइनस में वन बाई एट हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को तो ये चीज़ क्या बन रही है, ए माइनस बी अपॉन में टू इज इक्वल्स टू में इज इक्वल्स टू में माइनस का वन बाई एट। तो इससे अगर इसे कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। अब एक्चुअल में जो सिचुएशन बनी आपके पास, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में थ्री बाई फोर और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू में माइनस का वन बाई फोर, अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो तो टू ए इज इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड करोगे तो थ्री बाई फोर प्लस में माइनस का वन बाई फोर, तो थ्री माइनस वन हो जाएगा तो टू बाई फोर आ गया, तो टू ए हो गया, टू से टू कैंसिल, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा वन बाय फोर आ गया, ठीक है। तो सर बी वन बाई टू बी कितना आ रहा है वन बाय टू बता रहे हैं बच्चे, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा वन अपॉन में थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में वन बाय फोर, उसको यहाँ भेज देंगे तो फोर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा थ्री एक्स प्लस में वाई। सिमिलरली अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू में टू वन बाई टू, तो टू इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस में टू वाई। क्या कह रहे हैं, वन अपॉन हो जाएगा ना, सॉरी तो थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू में टू हो जाएगा ना, क्लियर है। यस सर। तो अब अगर आपके पास 3x plus y is equals to में 4 यहां दे रखा है और 3x minus y is equals to में 2 यहां दे रखा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y गया 6x और 6 यहां पे आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बन आ y की वैल्यू निकाल सकते हो 4 is equals to में 3 into में 1 plus में y, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी plus 1, तो x is equals to में 1 और y is equals to में 1। तो ये मानस ने दिया है इसका सबसे पहले, मानस रिखारी ने सबसे पहले जो जवाब दिया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है सर, ये ए की वैल्यू की बात सुन नहीं आया। ओके ठीक है, देखो देखो दोबारा से बताता हूँ एक बार, ए की वैल्यू निकल गई थी यस सर, ए की वैल्यू के बाद बी की वैल्यू आप लोगों ने मुझे बताई, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसे ए की वैल्यू तुम्हारे पास वन बाय फोर आ गई है और प्लस में आपके पास बी है इज इक्वल्स टू में थ्री बाय फोर, तो आपके पास कितना आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू में थ्री बाय फोर माइनस में वन बाय फोर, यानी कि b इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा टू बाय फोर वन बाय, नहीं b की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाय टू, तो b की वैल्यू ये मिल गई। अब आप लोग तो ये बात जानते हैं कि आपके पास a ये है और b ये है, यानी कि इस जगह पे आप वन बाय फोर लिख सकते हैं और इस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं वन बाय टू लिख सकते हैं आप, तो यानी कि वन अब यहाँ से टू को इधर भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा टू इज इक्वल्स टू में थ्री एक्स माइनस वाई, सिमिलरली फोर यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा फोर इज इक्वल्स टू में थ्री एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से कैलकुलेट करना आसान हो गया क्योंकि यहाँ से y तो एक बार में ही कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई वन निकल गई, तो y की वैल्यू निकालना वैसे ही सिंपल हो गया फिर तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वन रखना है, y की वैल्यू निकाल लो y इज इक्वल्स टू वन। बताओ भाई क्लियर है, मुझे समझ नहीं आया इस बार आप दोबारा बता दें। कौन सा वाला a और b की वैल्यू तो मेरी निकल गई थी पर मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाई कि अब x y कैसे निकालने हैं, तो वो एक ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, ए आपको पता है ए क्या माना था आपने 3x प्लस वाई माना था आपने yes. और बी क्या माना था आपने 1 अपॉन में 3x माइनस वाई माना था, आपको पता है ए की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय 4 आई है yes. आपको पता है बी की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय 2 आई है, तो आपने क्या किया यहाँ से इसे लिखा 1 बाय 4 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3x प्लस वाई आ जाएगा और इज इक्वल टू में 4 आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली आप यहां से 1 बाय 2 लिखोगे तो 1 अपॉन में 3x माइनस वाई आएगा yes. अगर यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2 लिखोगे yes.
सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 3x plus y is equals to 4 आ गया और यहाँ पे 3x minus y is equals to 2 आ गया, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y गया, तो फिर दोबारा एलिमिनेशन मेथड, हाँ फिर से लगेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x is equals to 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 आ गई। सिमिलरली अब आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए तो 3 इंटू में 1 प्लस में y is equals to में कितना आ जाएगा 4, तो y is equals to में 4 माइनस 3 यानी y is equals to में कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी जो है वो 1 आ गई। क्लियर है? यस ठीक है। सर आप मुझे कुछ कह रहे थे अनम को? यस सर। पूछ रहा था आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया। ठीक है चलो भाई, कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या आएगा? चलो मुझे एक बात बताओ कि ये वाली जो लाइंस हैं, एक बात पूछना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, उन्होंने तुमसे बोला कि शो द सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ये वाला जो ये जो लाइन है ना, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, शेड रीजन बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। देखो यानी कि एक आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एक आप लोगों के पास लाइन आ गई 6x माइनस में y प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0, एक आपके पास एक और लाइन आ गई 2x माइनस में 5y और माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, ये तीन चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, तीन लाइंस है आपके पास। क्या आप लोग मुझे इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बता सकते हैं? इसको आप लाइन 1 मान लो, इसको आप लाइन 2 मान लो और इसको आप लाइन 3 मान लो। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि लाइन 1 एंड लाइन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन 2 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन 1 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अगर मैं जानना चाहूं आप लोगों से स्पेसिफिकली, तो बता सकता है कोई? टाइम ले लो अपना, बताओ सर। बताऊं? हाँ बताओ, रुको अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले सॉल्व कर लो सब लोग, कुछ बच्चों को सॉल्व कर लेने दो, फिर उसके बाद पूछेंगे। सर ये ग्राफिकली बोला है ना, ये तो बोला ग्राफिकली, तो मैं बताऊंगा अभी कि कैसे बताना है तुम्हें, लेकिन अभी ग्राफिकली तुम मुझे कैसे दिखा दोगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि ग्राफिकली तुम मुझे अभी मत बताओ, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। ओके सर। सर आपने एक बार लाइन वन एंड लाइन टू, लाइन टू एंड लाइन थ्री वगैरह क्या लिखा है? सर माइनस वन माइनस टू आएगा। सर पर लेकिन वो तो सिर्फ लाइन टू और लाइन थ्री के लिए है ना। हेलो। यस सर। यस सर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम लोग? सर मैं पूछ रहा हूं इसका माइनस 1 माइनस 2 आएगा। नहीं अब देखो, अब अगर आप लोग एक बात समझो कि y is equals to y एक्सिस के बारे में अगर बात की जाएगी तो देखो ये लाइन 2 कहीं पर भी आए x equals to 0 उसका फार्मूला हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जहां कहीं पर भी अब जीरो कर दें y एक्सिस, अगर तुम ये बोल रहे हो कि y एक्सिस है तो यहाँ पर x पॉइंट हमेशा जीरो रहेगा, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको एक बात तो कंफर्म हो गई, L1 कहीं पर भी आएगा वहाँ पे पहला पॉइंट तो जीरो ही होगा, पहला पॉइंट तो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। y वाला पॉइंट निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप उस इक्वेशन में जाओ, L2 में गए आप,
एल टू में आपने क्या करा, जहाँ जीरो रखा माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस फोर, फिर चीज हटी गई तो वाई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा फोर, यानी कि ये चीज आ गई। फिर एल थ्री, एक मिनट यार, ये एल थ्री है ठीक है ना, तो एल थ्री पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर इन दोनों का देखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी जीरो रखोगे आप, तो टू इन टू में जीरो माइनस में फाइव वाई इज इक्वल टू में एट आ गया। अब ये चीज तो गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एट बाई फाइव, माइनस में एट बाई फाइव आ गई। अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, L1 और L2 का पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट L2 और L3 का देखना, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है सर, वो उनका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस वन और माइनस टू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से क्या कर दो, पांच से मल्टीप्लाई कर दो इसके, ताकि ये 5 बाई बना दे, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कर देते हैं, कर देते हैं, x माइनस में आ जाएगा, कर देते हैं 3 से कर देते हैं इसको, तो 6x हो जाएगा, ये माइनस में 15 वाई हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस गायब, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा ये 14y और माइनस का 28, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 और 6x माइनस में माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 4, तो 6x ये तो प्लस 2 इज इक्वल टू में माइनस 4 हो गया, तो 6x इज इक्वल टू में माइनस 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और y की वैल्यू हो गई माइनस का 2 ठीक है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, तो आपके पास ये 3 पॉइंट हो गए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस yes. लेकिन सर yes. हम लोग अब क्या हम लोग ये वाला, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो सर, फिर इसमें तो हमने ये आंसर लिख दिया, इन्होंने बोला था कि ग्राफिकली समझाना है। अरे ग्राफिकली मैं समझाने तो दो मुझे, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्लियर सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्या? अरे ढंग से नहीं हुआ, मतलब जो आपने ढंग से नहीं हुआ। यस सर, मतलब जो बी है L1 और L2 हो गया। यस सर, ये तो हो गया सर। L1 और L3 सर ये नहीं हुआ, L1 और L3 नहीं हुआ। ये सर क्लियर नहीं हुआ। देखो अब यार, ये देखो कोई भी एक, ये मान लो ये y एक्सिस है, अब इससे कोई भी लाइन जाके टकरा जाए, कहीं पर भी टकरा जाए, यहाँ पर हमेशा x एक्सिस वाला पॉइंट जीरो रहेगा नहीं रहेगा? यस सर। भाई y एक्सिस नहीं पता आप, लेकिन x एक्सिस तो हमेशा जीरो रहेगा इसमें। अब जब x एक्सिस जीरो रहने वाला है और आप लाइन कौन सी टकराई है, जब L2 टकराई है, तो अब L2 में ये देखोगे कि इस चीज को आप जीरो कर दो, वहां बचा क्या, सिर्फ y बचा, y की वैल्यू निकाल लो, वो लाके पुट कर दो। इसमें भी आप क्या करोगे, इसको जीरो कर दोगे, y की वैल्यू निकालोगे और पुट कर दोगे। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ओके सर। फिर L2 और L3 का तो पता ही है हमको कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी करना वैसे करो। ओके ठीक है। अब ये देखो एक्चुअल में लाइन बनाई कैसे जाती है, लाइन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप x वाला जो पॉइंट है और जो आपके पास y वाला पॉइंट है, आप क्या करो उसमें एक ये छोटी सी टेबल बनाओ, मतलब इसमें तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक तरीका बताऊं। आप क्या करो, x और y लिखा, एक बार इसको जीरो रखा, एक बार इसको जीरो रखा, इसको जीरो रखने से x की जो भी वैल्यू आती, y की जो भी वैल्यू आती है वो रखिए, और फिर y को जीरो रखने से x की जो भी वैल्यू आती है मेरे ख्याल से माइनस का 2/3 आएगी, ठीक है, यही आएगी ना यहाँ से। अगर आपने y को जीरो रख दिया तो 6x इज इक्वल टू में माइनस 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में माइनस का 4/6 हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। ऐसा हालांकि इन्होंने ऐसा इसलिए रखा ताकि आपको इंटीजर वाले पॉइंट मिले, अगर आप लोग इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं ताकि आपको इंटीजर वाले पॉइंट्स मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट पता चल गया। अब देखो किसी भी लाइन पर अगर मैं यहाँ पर ये x बना दूं, ये y बना दूं, अगर आपको ये और ये दो पॉइंट पता है किसी भी लाइन पर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पर स्केल से जोड़ करके लाइन बना दोगे, बना दोगे नहीं बना दोगे? यस सर। आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मतलब कि कभी भी अगर आपको लाइन बनानी हो तो आपको बस क्या चाहिए, दो पॉइंट से क्या कर सकते हो आप लोग, पूरी पूरी लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। स्केल रखोगे, मिलाओगे, बस बात खत्म। मतलब इक्वेशन में एक में जीरो, फिर दूसरे में जीरो, फिर वन रख के हम कोऑर्डिनेट्स लगा के उन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन। देखो एक बार अगर आपने एक बार इसको जीरो रखा तो वाई कुछ ना कुछ आ जाएगा,
देखो इसको जीरो रख दोगे तो ये कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोनों इंटीजर बने रहे तो देखो वाई को एक्स को जीरो रखने से वाई जो है वाई की वैल्यू आराम से निकल पा रही थी, अगर आप एक्स को जीरो रख देते तो वाई की वैल्यू डायरेक्टली निकल पा रही थी चार, तो आपने इसलिए जीरो रख दिया। अगर आप मानते हो कि सर मेरे यहाँ पर जीरो रखने से यहाँ पर माइनस का 2/3 आ जाएगा जो कि मैं ग्राफ पे नहीं बना पाऊंगा, अगर आपको ये लगता है ऐसा लगता है तो आप क्या करो यहाँ पर ऐसे पॉइंट ले लो जिससे इंटीजर आंसर ही आए और इंटीजर ही वैल्यू आप रखो उसमें। अगली बार उन्होंने एक्स की जगह पर वन रखा तो एक्स की जगह पर वन रखने से वाई की वैल्यू निकालनी थी आपको, यहाँ वन रखने से क्या हुआ छः और चार कितना हो गया दस हो गया, दस दूसरी तरफ गया तो माइनस टेन हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। तो देखो पुट भी किया एक इंटीजर और आंसर में भी आया क्या एक इंटीजर, अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मर्जी है आपकी, लेकिन लाइन बनेगी वही। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये देखो हमने माइनस वन माइनस टू बनाया, ये हम लोगों ने क्या माना था, ये हम लोगों ने लाइन वन लाइन टू मानी थी, ये लाइन थ्री मानी थी और ये लाइन वन मानी थी, ऐसे कुछ करा था भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। ये देखो ये देखो ठीक, ये चेक करो ठीक है। यस सर। ओके सो देखो L1 ये हो गया आपके पास, L1 ये रहा, L2 ये रहा और L3 ये रहा आपके पास, तो आपके पास क्या हुआ कि आपको देखो ये वाला पॉइंट मिल गया आपको 0-4 मिला था, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों y एक्सिस पर जो हमें दूसरा पॉइंट मिला था, एक और कौन सा था वो, दोनों लाइनों के मिलने से तो ये था कितना था -8/5 था, -0 -8/5। तो अब यहाँ से देखो जो भी चीज जो भी इन तीनों लाइनों के बीच में जो आ रहा है, अब आप में से कोई ये ना बोले कि इधर की तरफ क्यों नहीं शेड किया, भाई हम वो एरिया शेड कर रहे हैं जो इन तीनों लाइंस के बीच में आ रहा है, यानी कि इस वाली लाइन में भी आ रहा हो, इस लाइन में भी आ रहा हो और ये वाली लाइन में आ रही हो, ऐसा बाहर की तरफ कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि और कहीं पर भी ऐसी जगह हो। अगर आप यहाँ की भी बात करते हो तो यहाँ पर वाई एक्सिस और ये देखने को मिल रहा है, क्या कोई ऐसी लाइन है जो इसको बंद कर रही हो, क्लोज कर रही हो, इनक्लोज कर रही हो, बंद कर रही हो, इसको नहीं कर रही ना पॉलीगन, ठीक है? तो इसका मतलब फिर आप लोग उनका एरिया कुछ में तो एरिया निकालना आ जाता है आपको, कुछ लाइनें चार दे देता है। हाँ कुछ में एरिया भी निकालना आएगा, लेकिन वो उसमें ही आएगा जिसमें आपको कोई ना कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा होगा। यस सर, जैसे रोम्बस है या नॉर्मल स्क्वायर या ट्रायंगल बन रहा हो या, हां बिल्कुल ऐसे। सर यहां पे अभी आपके 3/5 यूनिट स्क्वायर है ना? क्या क्या कह रहे हो सर? जैसे अगर यहाँ आता तो आंसर 14/5 यूनिट स्क्वायर आ जाता है ना एरिया? देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है सर, इसका एरिया 14/5 तो नहीं आएगा भाई। अब मैं तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका वो चेक कर सकते हो, हाइट कितनी आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी? सर वन है, माइनस वन आ रही है, वन आ रही है ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बेस कितना है सर? 0.4 सर, क्योंकि माइनस 0.4 पक्का? यस सर, 0.4 सर, 0 ना 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 ये भाई ये तो 4 आ गया, 8/5 होगा ना, ये तो 4 हो गया ना, ये 4 हो गया भाई, ये तो ऐसा हो जाएगा ना 4 प्लस में 8/5 यस सर, 8/5 4 प्लस में अगर 8/5 लोगे तो बच्चों तो 28/5 आ जाएगा ना, तो हाइट कितनी हो गई 1, अब बेस कितना हो गया 28/5, तो 1/2 इनटू में हाइट इनटू बेस होता है ना 14/5, तो ऐसा कुछ आएगा मेरे ख्याल से 14/5 स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बस। क्लियर है? यस सर। ओके, हालांकि खैर निकालना नहीं था एरिया इसका, अब बताओ जरा इसको कैसे बताओगे इसमें, अब वो बोल रहे हैं आपसे कि ग्राफिकली सोल्यूशन दो इसका, सबसे पहले तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, कौन सा बच्चा बताएगा सबसे पहले प्लीज, कोई सर से बोल दो कि एक बार लास्ट क्वेश्चन फिर समझा दें, मेरा माइक कुछ इशू हो रहा है। ज्योत्सना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या? अगर नहीं आया तो बता दो, मैं कमेंट देख रहा हूँ इस वक्त। सर डन।
जोचना को नहीं समझ में आया। ओके सर डन। ये वाला क्वेश्चन एक मिनट बताना जोचना, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या आप? कौन इससे भी पीछे? यस सर। ये वाला सर, ये वाला तो यस सर, यही वाला 3x वाला ना, 3x वाला। यस सर ये वाला। ओके देखो इसमें क्या किया है मैंने, इसमें दो, इसमें ना टू टाइम्स, मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि टू टाइम्स एलिमिनेशन लगाया इसने। पहले तो क्या किया, पहले तो आपने 3x प्लस वाई को आपने a माना था, फिर आपने 3x माइनस वाई को आप लोगों ने b माना, तो उसके बाद आपके पास इक्वेशन जो बनी थी वो बनी थी a प्लस बी इज इक्वल टू में 3/4। दूसरी इक्वेशन बनी थी a बाय टू बी बाय टू माइनस का 1/8। अगर एक ही इक्वेशन थी, एक ही इक्वेशन थी, ये दो जो इक्वेशन बनी थी आप लोगों के पास, इन दोनों इक्वेशन से आपने पहली बार एलिमिनेशन किया, और एलिमिनेशन से आप लोगों को क्या मिलेगा, a की कोई वैल्यू मिल गई और b की कोई वैल्यू मिल गई। जैसे ए की वैल्यू आई थिंक 1/4 आ रही थी और बी की वैल्यू 1/2 आ रही थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। ये हाँ ये दे भी रखे मैंने, लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1/4 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1/2 आ रही है। तो ए और बी कन्फर्म हो गए थे, लेकिन अब ए एक्चुअल में है क्या? ए की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, वैल्यू तो एक्स और वाई की निकालनी है। तो फिर आपने क्या किया, इस ए की जगह पे आप लोगों ने 1/4 के बराबर रखा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रखा, 1/2 के बराबर। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी ऐसे 3x प्लस वाई 4, और यहाँ बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर भी दूसरी बार जो एलिमिनेशन लगाना है वो वाला एलिमिनेशन यहाँ पर लगाओगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो वाई गायब, 6x इज इक्वल टू में 6, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। कुछ इस तरीके से करा है यहाँ पर, बताओ क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके हाँ रुक जाओ, अगला क्वेश्चन पहले उस वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 0 और 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 20, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसे, कहानी खत्म हो गई। 2x माइनस में 4y, हाँ सब्स्टिट्यूशन भी कर लो, हाँ कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू 2y आ गया, प्लॉट भी हो जाएगा। तो 2y प्लस में 4y इज इक्वल टू में 20 आ गया, तो 6 10 आ गया यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई, और तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 2 आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, लेकिन आपको ग्राफिकली बनाना है क्योंकि, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसके लिए ग्राफ बनाएंगे एक, इसके लिए बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसी टेबल बनाएंगे, एक बार x रखेंगे, एक बार x0 एक बार y0 रख दो, तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना, इस तरीके से आप बना सकते हैं इसे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। एक तो ये हो जाएगी आपकी लाइन 1, ये हो जाएगी लाइन 2, दोनों का, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वाला पॉइंट आप दिखा देंगे ग्राफ में, तो ये हो गया पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो ग्राफिकली हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, बताओ समझ में आई बात कि नहीं? हाँ ऐसा क्वेश्चन है सर, मैंने इसे डायरेक्टली ग्राफिकली किया पहले। हाँ वैसे भी ठीक है, ग्राफिकली भी करना ठीक है, हालांकि पता है क्या होता है, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊँ, एक लॉजिकल फीलिंग वाली बात, कि तुम्हें एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो करना ही पड़ेगा, वरना जैसे मान लो कि तुमने ये वाली लाइन बना दी, थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने L1 वाली लाइन पे ना दो पॉइंट खींचे और पूरी लाइन बना दी, फिर तुमने क्या किया, फिर एक और पॉइंट खींचे, एक और लाइन बना दी, ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें देख के थोड़ी ना पता चल जाएगा पॉइंट कौन सा है ना, अभी तो तुम्हें पता चल पा रहा है क्योंकि डायरेक्टली 4 की सीध में चलो दिख रहा है एक बार को, और 2 की सीध में एक बार को अभी यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पर पॉइंट वॉइंट कुछ आ जाएगा तो यहाँ से सामने मान लो यहाँ कहीं हो जाए, तो कैसे जोड़ोगे, कैसे पता लगा लोगे यहाँ पर? तो अल्टीमेटली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, आपको किसी ना किसी तरीके से आंसर तो निकालना ही पड़ेगा एक बार। यस सर, वरना गलती होने के, वरना गलती होने के चांसेस हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ ज्यादा आज तुम ऐसा लग रहा, वो नहीं होता जयकारा शेरा वाले का, ऐसा लग रहा है वाला माइक लेके बैठे हो, करा हेलो 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 ऐसा चल रहा।
सर एक्चुअली अभी लीव हो गया था मैं, और सर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे वो, तो सर आप बस क्वेश्चन दिखा दीजिए लास्ट वाला। यस सर, सर इसके, यस सर ये वाला सर, इसके पहले तो वही हुआ था ना जिसमें वाई एक्सिस के बीच में बताना था। हाँ सर ये मैंने कर लिया था सर। ओके सर, ओके सर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोबारा से बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले किया भी था ना, किया था? Yes. बताओ ऐसे ही, क्योंकि वाई एक्सिस दे रखा है इसमें, तो आप ये मान लो कि जो आपका वाई एक्सिस है ये आपके पास एल वन हो गया, आपके पास टू एक्स माइनस थ्री है, टू वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू में 14 हो गया, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 8 हो गया। तो ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, ये लाइन 3 हो गया। आपको बेसिकली बताना है लाइन 1 एंड लाइन 2 के बारे में, लाइन 2 एंड लाइन 3 के बारे में, एंड लाइन 1 एंड लाइन 3 के बारे में, इनके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर बताओ सर। बहुत बढ़िया सर, डन सर, डन ओके सर, डन। मी टू सर, सर एक्चुअली आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम लैपटॉप। ओके जैद, मी टू, ओके। तो हेडफोन, हेडफोन अगर कुछ हो तो फिर तुम्हारी आवाज़ सही आ जाएगी भाई। ठीक है बताओ, L1 और L2 का क्या है? सर 0.7। जीरो कोमा सेवन, ठीक है। और L1 और L3 का? सर -2.4। सर L1 और L3 का 0.8/3। सर 0.8/3। यस सर 0.8। तो और इसका बताओ, L2 और L3 का? सर -2.4। सर -2.4 प्लस का 4 प्लस 4। यस सर, यस सर। तो देखो लाइन तो ऐसे बनानी है, ये बात तो कंफर्म है सबको, टेबल बना करके लाइन बनानी है। यस सर, यस सर। यहां पर देख लो -2.4 लाइन 1 लाइन 2 का दोनों का आ रहा है, और जहां ये y एक्सिस पर टकरा रही है, एक जगह 0.7 आ रहा है, एक जगह 1, एक जगह ये देख लो, ये 0 और 8 बाय कितना था, 3 था सर, 8 बाय 3 था सर। 8 बाय 2 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है यहां पर, 3 से पहले ये तो 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है यहां पर। यस क्लियर है, बस इसी तरीके से यहां पर ये वाला बस आंसर लिख देना है आपको। अच्छा देखो एक बात और देखो, यहां पर सॉल्यूशन में कहीं पर भी ये चीज नहीं बताई गई कि आपने एलिमिनेशन से निकाला है या किस से निकाला है। यहां ये दिखाया गया है कि आपने जब ग्राफ बनाया ना तो अचानक से आपके सामने आंसर जो है प्रकट हो गया, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे सॉल्यूशन में। लेकिन क्या एक्चुअल में सच में ऐसा हुआ है? नो सर। आपने तो अलग से कैलकुलेट किया है ना? यस सर। तो हमेशा अलग से कैलकुलेट जरूर करना है, ध्यान रखना है इस बात को। भले से वो कितना भी ग्राफिकली बोले, ग्राफिकली बोलने का बस इतना मतलब है कि जो आंसर निकालो वो ग्राफिकली दिखा दो, बस ग्राफ पे दिखा दिया बस हमने, और कुछ नहीं किया हमने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। अगला सवाल ये रहा, देखो, draw the graph of the following linear equations, this, 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 and the ratio of the areas two triangles. Find the line x is equals to 0 and y is equals to 0, and the second line is x equals to 0 and y equals to 0. देखो, वो बोल रहे हैं कि जो पहली वाली line है, मतलब कि दो दो टीम बन गई, एक हो गया टीम A, ठीक है, जो टीम A है, उसके पास कौन-कौन सी lines हैं? एक है x plus में 3y is equals to में 6 है। एक मिनट रुकना जरा। सर अगर एलिमिनेशन मेथड, अरे यार ये रबर पेन ही नहीं आ रहा। हाँ बोलो बोलो सर। अगर एलिमिनेशन मेथड में कट रहे होते हैं ऐसे ही, मतलब जैसे -3y और +3y, तो हम साइन नहीं बदलते ना?
नहीं नहीं तब नहीं बदलता, तब हम ऐड कर देते हैं ना, तब देखो साइन तो तभी बदले जाते हैं जब सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। यस एक आ गया टीम बी, टीम बी क्या है हमारे पास, टीम बी हमारे पास 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 12 और x इक्वल्स टू में 0 एंड y इक्वल्स टू में 0, तो इसका भी एक एरिया निकालना है आपको और इसका भी एरिया निकालना है। एवरीवन क्या मैं इसके बारे में आपसे पूछ सकता हूं कि x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? डन x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? y y एक्सिस y एक्सिस और y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। वेरी गुड, चलो अब बताओ एरिया निकाला? यस सर निकाल लिया। निकाल लिया, वेरी गुड। तो अगर एरिया निकाला आप लोगों ने, सर रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है ठीक है, तो पहला वाला जो है मैं अब डिस्कस करूं मैं? यस सर। देखो भाई ये हो गया आप लोगों के पास क्या, आपका x इक्वल्स टू में 0, ये हो गया क्या आपके पास, आपके पास y इक्वल्स टू में 0, ये आपके हो गए पास हो गया आपकी पहली वाली लाइन, ये जो पहली वाली लाइन थी यानी कि टीम ए की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपके पास टीम ए है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है बच्चों, टीम टीम बी है। ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ऐसा तो डिस्कशन में मिलेगा क्या, अब आप देखो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी आ रही है, आपको पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया होता है 1/2 हाइट इनटू में बेस, ठीक है ना, हाफ ठीक है। अब हाइट कितनी है इसकी, 2 दिख रही है, 2 और सर बेस और बेस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए एरिया दूसरे वाले का, तो यहां पर इसकी देखो हाइट कितनी है, 4 4 4 और बेस 6 है, दूसरे वाले का कितना है, 6 है, 6 तो यानी कितना आ जाएगा, 12, तो 6 अपॉन में 12 रखेंगे तो क्या रेशियो रहेगा, 1:2। यस सर, यही उन्होंने पूछा था मेरे ख्याल रेशियो। यस सर, यस सर, दो पे रख, जीरो रख के फिर देख, तो 1:2 यार देख लो, क्लियर है बात की नहीं है? yes, सर पीछे कर दिया। yes, लो कर दिया पीछे सर, समझ नहीं आ रहा, ओके सर हो गया, किसको नहीं आया समझ में सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो कि ये जो पहली वाली एक लाइन दे रखी है आपके पास, इसके साथ आप x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 ले लो, तो तीन लाइन हो गई। यस सर, तीन लाइंस हो गई ना, तीन लाइन से ही तो बनेगा ना ट्रायंगल, फिर आपने एक ये वाली उठाई और फिर ये दोनों उठा ली, फिर यहाँ पर फिर से अगेन दूसरा हो गया, तो इसे आप ट्राइंगल ए कह लो, इसे आप दूसरे वाले को ट्राइंगल बी कह लो, तो दो ट्राइंगल मिल गए ना आपको। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कर सकते हो आप, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पहले तो आप ग्राफिकली इन्हें बनाया, पहले तो आपने ग्राफिकली ये बन गया भाई x इक्वल टू 0 हो गया, अरे ना ग्राफिकली बनाना पड़ेगा, हाँ ये y इक्वल टू 0 से हाइट निकल पाएगी, ग्राफिकली बनाना ही पड़ेगा हमें, और दूसरी बात ये भी है ना कि ग्राफिकली बनेगा तभी तो पता चलेगा ना हाइट कौन सी वाली है, बेस कौन सा वाला है, तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा, ग्राफिकली तो बनाना ही पड़ेगा एक बार, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, उसके बगैर तो नहीं बन पाएगा, निकल नहीं बताओ बच्चा, जो भी पूछ रहा था उसका क्लियर हुआ सर? एक लाइन, वन लाइन, टू लाइन, थ्री, हम मतलब कौन कौन से पेयर लेंगे वो बता दीजिए, कौन कौन से पेयर लेंगे, मतलब हम इसमें वो भी काउंट करेंगे x -6 एंड 2x -3 12 या वो वाला पेयर काउंट नहीं होगा, कौन सा वाला पेयर, x plus 3y minus 6 and 2x minus 3y minus 12 का, अगर तीन लाइन है तो तीन लाइन कौन कौन सी होंगी, मतलब एक बार वो तीन लाइन, एक तो एक लाइन हो गई x equals to में 0, अच्छा एक लाइन हो गई y equals to में 0, तो एक बार हमने x को इधर 0 रख दिया, एक बार इधर y को रख दिया, तो दो ही पॉइंट, एक्चुअल में बोला ही उन्होंने, यार देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फाउंड बाय द लाइंस, फर्स्ट लाइन देखो लिखा है ना इसमें, दूसरी लाइन में पढ़ो, यहाँ पर ये पढ़ो, फर्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0 का मतलब ही ये है y एक्सिस y एक्सिस और y इक्वल्स टू 0 का मतलब x एक्सिस, हां
फिर सेकंड तो यही है सेकंड लाइन, सेकंड लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यही तो दे रखा फिर वही वाली बात कहां हो गई। अब आप ये सोचो ना पहली वाली लाइन भी तो बन रही है ना ऊपर की, देखो ना ऐसी लाइन बन रही है ना ये पहली वाली। अरे यार हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, क्या नहीं समझ में आया? मतलब x plus 3y equals to 6 में एक बार हम दो एक ही टाइम पे x को भी 0 रख देंगे y को भी। हाँ क्योंकि तब हमें जब हम x को 0 रखेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा बेटा, और जब हम y को 0 रख देंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। और फिर दूसरी लाइन से फिर पहले x को फिर y को। हाँ तब हमें उससे ये वाला पॉइंट मिलेगा और ये वाला पॉइंट मिलेगा। आप इंडिपेंडेंटली समझो ना इसको, आप इंडिपेंडेंटली समझो इसको कि भाई वो चीज है ही नहीं वहां पर। आप ये समझ के चलो कि एक ग्राफ आपने बनाया, आप ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए। पहली लाइन में दोनों को ही जीरो लेना है ना। हाँ। दूसरी लाइन में भी दोनों को जीरो लेना है तो एक एक करके जीरो लोगे ना। देखो एक्चुअल में जब आपने एक्स को जीरो रखा तो आप ये वाला पॉइंट निकाल रहे थे, जब आपने वाई को जीरो रखा तो आप ये वाला पॉइंट निकाल रहे थे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई तो जीरो ही होगा ना, इसलिए आपने यहाँ पर वाई को जीरो रखा इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर एक्स इसलिए जीरो रखा क्योंकि यहाँ पर एक्स जीरो होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है। ओके सर। क्लियर है या नहीं? अब ये बताओ पहले, अब तुम खुद सोचो ना, वो जानबूझ करके तुमसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखने को नहीं बोल रहे हैं। जब उन्होंने बोल दिया, जब उन्होंने ये कह दिया कि एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं आपके पास कि आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस तो अपने आप में ये पूरी लंबी सी लाइन हो गई ना ये। Yes. जब उन्होंने y इक्वल टू जीरो कह दिया और इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। Yes. इसका मतलब ये अपने आप में ये एक लंबी वाली लाइन हो गई, और ये वाली लाइन तीसरी वाली आई रही है, तो इन तीनों के बीच में ये ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या? तीसरी वाली कॉमन पॉइंट हो गया ना। क्या? तीसरी वाली लाइन हमारा इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया ना। हाँ तीसरी वाली लाइन जो है वो पॉइंट निकाल रही है कि भाई एक्चुअल में लेंथ है कितनी। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है अभी है। भाई आपके पास ये भी था, आपके पास ये देखो ये वाली हाइट भी कैसे आई, जब आपको ये पता चला ये वाला पॉइंट क्या है, आपको यही पॉइंट ना, और ये पॉइंट पता कैसे चलेंगे जब आपको पता है कि ये वाली एक लाइन है और ये वाली भी एक लाइन है, ये वाली लाइन से कट करके जा रही है, तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला पॉइंट एक्स और वाई दोनों होगा, लेकिन तुम्हें इस बात में पता है कि यहाँ पर x जीरो ही होगा, कंफर्म है जीरो होगा यहाँ पर, तो x तो तुमने x को जीरो रखा इसमें और y की वैल्यू निकाल ली, पता चल गया कि ये वाला पॉइंट क्या है। इस वाली लाइन पे तुमको पता है y पक्का जीरो होगा, तुमने यहाँ पर y को जीरो रखा और x की वैल्यू निकाल ली। ओके सर। ठीक है, ये वाला बात रही अगर इस वाले पॉइंट की, तो सबको पता है ये जीरो जीरो होता है। क्लियर है? बताओ यार सब लोग। यस सर क्लियर है। ठीक है। यस सर क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ये इक्वेशन आपको दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइंस विद वाई एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक लाइन ये दे रखी है तुम्हें, एक लाइन ये दे रखी तुम्हें, वो बोल रहे हैं वाई एक्सिस के साथ तुम इसका एरिया निकालो, तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0 रहेगा वहां पे। यस। अरे क्वेश्चन का क्या मतलब है सर, मतलब जो नीचे दिया हुआ? वो बोल रहे हैं एरिया भी फाइंड करो ना। सो लाइन विद वाई एक्सिस का एक बार एक मिनट बता रहा हूं सर। डन कर दो तुम, क्या कर रहे हो तुम? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ना, जो जिससे जो ट्रायंगल बनेगा इससे उसके वर्टिसेस बता दो। वर्टिसेस तो वैसे ही निकालोगे ना तुम, वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया भाई? अगर मैं यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन कट करूंगा तो ये वर्टिसेस हैं इसके, वर्टिसेस का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो हुआ है। यस समझे? ओके ओके सो मतलब यहाँ तक की बात जो है वो आप, वेरी गुड। बताओ बच्चों सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। देख लो जरा यहाँ पर, अब लाइन तो बनाते ही तुम, इसकी भी लाइन बनाते एक बार, इसकी भी लाइन बनाते, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे वैसे।
ये देखो एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, ये दोनों लाइन बन गई। अब एक बात सोचो, वाई एक्सिस यहाँ पर है, वाई एक्सिस तो ये है ना, yes, sir. है ना। तो देखो अब ट्राइंगल कौन सा वाला बनेगा, ये पूरा ट्राइंगल बनेगा, ये पूरा। अब तुम यहाँ ऐसे थोड़ी ना देखोगे कि अब बाहर के यहाँ क्या बना लोगे, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो वाई एक्सिस ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अंदर की तरफ ही बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक ये वाली लाइन बनाई, एल वन रख दिया, इसे इसे एल टू रख दिया। फिर यहाँ से लाइन बनाने के बाद वाई एक्सिस को इसके अंदर कम्बाइन किया, आपको पता चल गया यार ये वाला जो है ना, ये एरिया ऐसा है जहाँ से आंसर निकलेगा मेरा। अब इसमें हाइट आपको पता ही चल गई है, यहाँ पर ये हाइट कितनी है, दो है। बेस कितना है, ये चार तक है, यहाँ पर भी चार तक है, तो कितना हो जाएगा, वन बाय टू इंटू में हाइट, हाइट है दो, बेस कितना है आठ, तो आठ आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना था। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताना है। अच्छा देखो पॉइंट, ये ट्रायंगल बना है पूरा, ये वाला ट्रायंगल बना है पूरा। तो इस वाले ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि देखो वाई एक्सिस है, अब ये वाली जो लाइन थी इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यही निकला ना तुम्हारे पास, जीरो और फोर, क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस पे तो जीरो ही आना है वो, कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है। और फिर इन दोनों लाइनों का, इन दोनों लाइंस का देखो, आपको एल वन वाई एक्सिस, आपको एल टू वाई एक्सिस, और आपको एल वन एल टू, ये तो निकालने ही पड़ेंगे ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यस, तभी तो पॉइंट पता चलते हैं अपन को। L1 L वाला ये जो लाइन आएंगी ना, ये वाली दोनों L1 L2, इनका तो टू एंड माइनस फोर, तो ऊपर जाके मिल जाएगा तो पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा। भाई इनका पॉइंट तो टू और जीरो आ रहा है ना, भाई ये वाली लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू में 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू में 4, इन्हें जोड़ोगे तो वैसे ही पता चल रहा है y तो गायब ही हो गया, तो 4x इज इक्वल टू में ये 8 आ गया, तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, तो x इज इक्वल टू में 0 आ गया, सॉरी 0 कह रहा हूँ 2 आ गया। अगर यहाँ यहाँ पर देखो 2 इन 2 में 2 रख दिया, माइनस y इज इक्वल टू में 4, तो ये 4 आ रहा है, ये तो 4 माइनस y इज इक्वल टू में 4, 4 से 4 गया तो y इज इक्वल टू में 0 आ गया। y इज इक्वल टू में 0 का मतलब ही आते ही समझ जाओ कि ये तो x एक्सिस पर है ये वाला पॉइंट, तो देखो ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर ही तो आ रहा है। यस सर, क्लियर है बात? यस सर, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में एरिया निकालना होता है, उसमें तो हमें वर्टिसेस निकालनी होती है ना, और एक एक्सिस दे देते हैं जिससे ट्रायंगल या एक पॉलीगन। हाँ सर, एक बार जरा क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन में जो था आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे सर, नाइन्थ में रोम्बस वाला ऐसा सवाल दिया था एरिया का। अच्छा सर, लाइन विथ वाई एक्सिस का क्या मतलब है? किसका सर? लाइन विथ वाई एक्सिस, लाइंस, ये जो लाइंस है ना, इनका विद वाई एक्सिस, इनके क्योंकि इसमें देखो भाई ट्रायंगल बनाने के लिए तो आपको L1 L2 एक तीसरी L3 भी तो चाहिए ना। यस सर, तीन लाइन चाहिए। तो वो बोल रहा है कि इन लाइंस के साथ वाई एक्सिस को अगर जोड़ लो तो एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया बताओ। तो L3 जो है वो एक्चुअल में x इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। सर 2x plus y is equals to 4, 2x minus y, इन दोनों को सर प्लस कर दीजिए। तेज बोलो यार सर। हाँ बोलो सर, इन्हें सीधा प्लस कर दे, उसमें कोई दिक्कत होगी क्या? इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन में? ना ना, क्यों करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखो ना, मैंने अभी तो ऐसे किया है, 2x plus में y is equals to में 4 लिखा है, 2x minus y is equals to में 4 लिखा है, दोनों को जोड़ दो, y से y गया तो 4x is equals to में 8 नहीं आ रहा। हाँ ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एलिमिनेशन करना है भाई, वो तो आप माइनस इसलिए करते हो क्योंकि उन दोनों के साइन सेम होते हैं, जब साइन ही अपोजिट है तो ऐड कर दो। बेसिकली आपको वेरिएबल हटाना होता है, क्लियर है सबको? यस सर। हेलो एवरीवन। ठीक है, अब ये देखो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1 एंड x माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू में 13, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ एंड शेड ट्रायंगुलर रीजन फॉर्मड बाय द लाइंस एंड द y एक्सिस। देखो इसके साथ भी इन्होंने क्या जोड़ा, देख लो
इसके साथ भी इन्होंने क्या जोड़ा, वाई एक्स एक्सिस जोड़ा सर, वाई क्योंकि इसमें एक लाइन टू है एक लाइन वन है, तो तीसरी लाइन तो चाहिए ही चाहिए ना, वरना ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ट्राइंगल रीजन बनेगा कैसे, ट्राइंगल रीजन के लिए तो कम से कम तीन लाइन चाहिए ही चाहिए। यस सर, दो लाइन दे रखी है तो तीसरी लाइन कहीं ना कहीं तो हिंट वो दे गई, और इन्होंने यहाँ पर क्या हिंट दी, वाई एक्सिस वाली हिंट दे दी यहाँ पर। सर डन वाला, हाँ कर लो कर लो। ओके गुड, वेरी गुड। यप नारायण, बट पिक्चर इन वाइट कलर, मतलब ब्लैक स्क्रीन इंस्टेड ऑफ वाइट एज इट पेन्स इन द आईज। मैं ब्लैक स्क्रीन ही करता एक्चुअल में, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अगली बार में, वैसे तो ब्लैक ही लेकर के आता हूँ मैं। सर ब्लैक ही सही है, हाँ ब्लैक ही सही रहती है, वो थोड़ा आंखों को भी आराम देती है। ठीक है देख लो भाई, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी तरीके से हुआ है, दो लाइंस ले ली और वाई एक्सिस के साथ ही इन्होंने शेड करना था इन्हें, तो उन्होंने शेड कर दिया, पॉइंट्स निकाल लिए। पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ये वाला पॉइंट भी वैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये वाला पॉइंट उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। सर मेरे 3x5 नहीं आया। हम्म, 3 और 5 नहीं आया सॉल्यूशन, एक बार बता दो। L1 और L2 का जो सॉल्यूशन है वो आएगा। हाँ सर लाइंस, क्या क्या कह रहे हो समझा नहीं मैं। सर 2x-y-1 और x+2y-13 इन दोनों का सॉल्यूशन ही तो आएगा ना, 3x5 3 एंड 5। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं दोनों का आएगा, वो नहीं आया। देखो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4x-2y=2। सर नीचे वाले को भी तो कर सकते थे, फिर 2x और 2x कट जाते हैं। लो मैं उसी से कर देता हूँ, फिर इसको 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। 2x-y=1, ऐसे 2 से करता तो 2x+4y=26। यस सर 20। अब माइनस माइनस करता है इसे मैं, कट गया टाइम कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस का 5y आ जाता। yes, sir. और यहाँ पर माइनस का 25 आ जाता, 20 माइनस 25 नहीं आएगा, पर माइनस 26 में से अगर एक जोड़ दूंगा उसमें। ठीक है सर आ गया अब तो, ठीक है। तो मेरा वो 27 करा मैंने उधर, हाँ वो गलती से कर दिया ना आपने, क्योंकि माइनस का 26 हो गया था ये और ये प्लस का बन था। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है, हेलो। नो सर आपकी वॉइस ठीक है, किसी को तो किसको समझ में नहीं आया, एक बार बताओ मुझे, बहुत ज्यादा कट रही है, एक बार और बता दो। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं, एक्चुअल बस इस वाले पॉइंट के ऊपर बात हो रही थी यहाँ पर, कि ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली इस वाले पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे ना हम लोग अभी, है ना। तो अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे तो 2x-y=1 एंड x+2y=13 दे रखा था, तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता, ये 4x-2y=2 आ जाता, तो y से गायब हो जाता, तो यहाँ पे 5x आ जाता और यहाँ पे 15 आ जाता, तो कैंसिल करते तो x के लिए कितनी आ जाती, 3 आ जाती। अब आपको पता है कि 2x-y=1 है और x आपको पता चल गया है कितना है, 3 है, तो -y=1, तो y उधर भेज देते तो 6-1=y, यानी y=1 कितना आ जाता, 5 आ जाता, तो x की वैल्यू 3 आ जाती, y की वैल्यू 5 आ जाती। तो इस तरीके से आपको ये वाला पॉइंट मिल जाता, ये वाला पॉइंट भी निकालना ही था आपको, और अब आपको पता चल गया कि y एक्सिस आपको दे रखा था यहाँ पर। अब ये दोनों लाइंस ऐसी बनती तो इनके बीच का ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपको एडिट करके आना होता, क्लियर है सर। इसके yes, पहले वाला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने कहा मना कर रहा हूँ। ओके सर बताओ जरा इसमें क्या है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशंस। सर क्या क्वेश्चन है एक बार, वो बोल रहे हैं कि दो लाइन दे दी तुमको, ठीक है सर, अभी बताओ ये दोनों की दोनों लाइन है कंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट का मतलब मैं बता, एक मिनट रुक जाना, सब लोग रुक जाओ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब मैं एक बार कंसिस्टेंट बता देता हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, ठीक है,
और यहाँ पर है सॉल्यूशन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन में ए टू इज नॉट इक्वल टू में बी वन अपॉन में बी टू। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब क्या है, दो तरीके, एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया और एक क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, है ना। तो यूनिक का मतलब क्या था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी सर, गलती हो गई, ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इज नॉट कहाँ पे सर, यहाँ पे लिखा है ना पैरेलल में ए वन अपॉन में ए टू इक्वल लिखा है, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू सर, ये सी वन बाय सी टू के भी तो इक्वल नहीं होगा यूनिक, कौन सा वाला सर, यूनिक में इक्वल होता ना, आपको सिर्फ इन दोनों शुरू वाले के ऊपर फोकस करना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप उसके ऊपर मत जाओ, आप सिर्फ इन दोनों के ऊपर फोकस करोगे, स्टार्टिंग वाला जो है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट की बात करेंगे तो बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू में सी वन अपॉन में सी टू, ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया आपके पास, ये चीज बस बात खत्म हो गई, क्लियर है। अब बताना है इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर, नो सॉल्यूशन है इसके, सब लोगों ने देख लिया, सब लोग देख लो पहले ढंग से, सब लोग कर लो पहले एक बार सर, बोलो अनइक्वल आ रहा है सर, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक का मतलब तो ये हो जाएगा कि कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन। अच्छा देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पर थ्री बाय टू अपॉन में नाइन है, यानी कि नाइन अपॉन वन है, है ना, तो ये वन अपॉन थ्री हो जाएगा, ये चीज जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई होने और ये चीज जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई होने, यानी कितना हो जाएगा, ये वन बाय सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग इसका करते हैं फाइव बाय थ्री अपॉन में टेन बाय वन, इससे करते हैं यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, वन बाय सिक्स आ जाएगा। अगर आप सेवन बाय फोर्टीन करते तो वन बाय टू आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये पहले वाले दो इक्वल हैं, और पहले वाले दो इक्वल होने का मतलब क्या होता है, पैरेलल हो जाना, पैरेलल होने का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट, यानी कि बी जो है इसका सही जवाब है। सर एक बार जरा देखो, इसमें वो बोल रहे हैं कि आपको बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशंस होती हैं। कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है आंसर आना, चाहे वो एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, और इनकंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है आंसर ना आना, यानी कि पैरेलल हो जाना। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको यूनिक सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि देखो कंसिस्टेंट है लेकिन विद वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट का मतलब है कि कंसिस्टेंट तो है लेकिन विद मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। कंडीशंस याद रखनी थी और जो इक्वेशंस दे रखी हैं उस इक्वेशन के हिसाब से फिर वहां पे पुट कर देना था। अब जब वहीं पर जाकर के जब आपने पुट किया तो पता चला कि यार हाँ ये तो एक्चुअल में आपके पास इनकंसिस्टेंट ही तो है, क्योंकि आपके पास जो पहला वाला यानी ए वन अपॉन में ए टू एंड बी वन अपॉन में बी टू, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट वाला नहीं आ रहा। अगर मान लो तीनों बराबर आ जाते तो कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशंस हो जाता। अब जैसे मान लो, तो मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर, कि जैसे मान लो कि यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब देखो एक बात और बताता हूँ, कंसिस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है, अगर आप कंसिस्टेंट के बारे में बोलते हैं ना, तो कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। अब जैसे मान लो कंसिस्टेंट बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, या तो वन सॉल्यूशन आया तो मेनी सॉल्यूशन आएगा, लेकिन यहाँ पर भी कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, तो आप कौन सा वाला आंसर लगाते हैं, कंसिस्टेंट विद वन वाला, या फिर जैसे मान लो एक सॉल्यूशन आ रहा होता, यूनिक सॉल्यूशन होता, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो आप ये वाला लगाते हैं या ये वाला लगाते हैं, बताओ। सी ऑप्शन, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यस सर भाई, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट लगा दोगे तो मेनी आंसर भी तो हो सकते थे ना। यस सर, सी और डी दोनों आंसर हो सकते थे। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ जरा इसमें की वैल्यू, अब इसमें मेनली जो आपके पास काम करने को रह गया है ना, ओके मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर इसमें मेनली अगर आप देखोगे ना, इसमें आपके पास जो काम करने के लिए रह गया है, मेनली आप लोगों के पास काम करने के लिए रह गया है अब, कि आप लोगों को इसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना इसके,
आपको उनके ऊपर फोकस करना होगा एक बार, समझ रहे हो? हेलो, यस जितने भी आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और कंसिस्टेंट निकालना ये सब तो आ गया, ये सब जरूरी था कॉन्सेप्ट वाइज में। अब वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सवाल करने होंगे जो कि मैं आप लोगों को दूंगा उसकी पीडीएफ। चलो ठीक है, तो इसमें क्या था कि के की वैल्यू निकालनी है विद नो सॉल्यूशंस, तो 1 अपॉन में 2 हो गया और 1 अपॉन में के हो गया, ये दोनों बराबर होते हैं नो सॉल्यूशन में, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सर, 2 ठीक है। यस अगला इसमें क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके बताओ। इसमें एक्चुअल में ध्यान रखना कि सिर्फ और एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है लेकिन उसमें उसका सम बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के रख देते हैं, तो इन्होंने एक और टास्क दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके, लेकिन उन्हें जोड़ करके देना है आपको, तो ध्यान रहे इस बात का। सर वेट, हाँ ठीक है वेट कर रहे हैं। सर डन, ओके सर डन, सही दीजिए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाऊं? Yes, देखो देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल रहा है कि ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, बी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल्स टू में, यहाँ तो जीरो ही दे रखा है आपको। जैसे मान लो कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको बी हटाना वाई हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखो बी लगा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ, तो यहाँ पर आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दो b से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर इनटू में x, सब लोग ध्यान से समझेंगे, a इनटू में b y, और यहाँ कितना हो जाएगा a इनटू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा b स्क्वायर x और प्लस में ए बी वाई इज इक्वल टू में जीरो। अब अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा ये, अब ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा कितना, अगर आप x को कॉमन निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा a इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या पता चला, इससे ये चीज जुड़ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a हो गई, a आ गई। और सर y की, और अगर आप y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो a इंटू में x था ना पहली वाली इक्वेशन, देखो बी वाई इज इक्वल टू में माइनस बी स्क्वायर था, तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो ए की जगह, अगर एक्स की जगह पर भी आप ए लिख देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी वाई आ गया इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर गया, बचा कितना बी वाई इज इक्वल टू में माइनस स्क्वायर, अब बी से एक बी गया तो वाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस बी, अब यानी कि एक्स की वैल्यू मिल गई ए, वाई की वैल्यू मिल गई माइनस बी, और आपसे पूछ रहे हैं एक्स प्लस वाई तो कितना आएगा, माइनस बी, यानी कि सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सर दोनों इक्वेशंस को ऐड करके बहुत जल्दी हो जाता है, सर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, हाँ तब भी हो जाता, तब भी हो जाता, अगर आप x प्लस वाई यहाँ से निकाल लेते तो भी हो जाता। कैसे? देखो बताता हूँ कैसे हो जाता सर, एक बार वो चेंज देखो, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ध्यान से सुनना बेटा, बी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल टू में जीरो, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, डायरेक्टली जोड़ देते हो, तो आपके पास एक्स यहाँ से कॉमन निकालते तो कितना आ जाता है ए प्लस बी, अगर आप मान लो वाई निकाल लेते यहाँ से कितना आ जाता है ए प्लस बी आ जाता है यहाँ से भी, yes. और इक्वल टू में कितना रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इन इन ये ए प्लस बी यहीं पर दे रखा है, तो आप ए प्लस बी को कॉमन निकाल लेते तो अंदर कितना आ जाता है एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया a माइनस बी, ऐसे भी निकाल सकते सर, एक बार जरा पहले वाले दिखा दो, पहले वाला तो रब कर दिया यार, पहले वाले में बस मैंने क्या किया था x y का कोएफिशिएंट जो है मैंने बराबर कर दिया था और कुछ नहीं किया था, bx ey इज इक्वल टू में 0 मैंने इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया था a से, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया था b से,
तो ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई इज इक्वल्स टू में ए इन टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर दिया था, बी का स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना आ गया था ए बी वाई जीरो, तो माइनस माइनस ये तो वाई भी हो गया था, तो बचा कितना ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इन टू में कितना था एक्स था, तो ए इन टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये गायब कर दिए थे यहाँ से, एक्स की वैल्यू ए आ गई थी, अब यहाँ से कहीं पर भी रख दो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई करोगे तो आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, क्लियर है सबको? सर वैसे ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है और एक्स की भी जीरो आ रही है। किसकी? सर ए बी एक्स वाई चारों की वैल्यू जीरो ही आ रही है, क्योंकि कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसलिए आ रही है। ये दोनों के दोनों यहाँ से कंपैरिजन भी करोगे तो इस वजह से यहाँ से बी एक्स और ए वाई निकाल करके आप कंपेयर कर रहे हो तो जीरो आ रहा है ना। यस सर, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालने की बात हुई नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, वैसे तो करवाएंगे तुमसे। देखो भाई वैसे बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तुम लोग अपने तुम्हारी बुकलेट में भी दे रखी हैं, जैसे ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉस्ट, फिर उसके बाद उसमें आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल दे देंगे, आपको कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट भी निकालने पड़ेंगे कितने हो गए, तो इस तरीके से दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर का लेकिन पार्ट है, क्या बोल रहे हो सर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया या ये उसी का ही पार्ट? ये एक्चुअल में चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब ये जो चैप्टर में आपको जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, क्योंकि ये वाला चैप्टर फेमस जो है ना, बेसिकली जो ये फेमस है, फेमस तो ये अपनी वर्ड प्रॉब्लम की वजह से है। ओके सर, तो अब आप लोगों को ना बेसिकली इसमें वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तीन तरीके के, मतलब दो तीन नहीं पाँच छः तरीके के हैं, फाइव और सिक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। वहाँ पर बेसिकली अब आपको देखना होगा कि, क्योंकि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है यार, वो तो इक्वेशन है, अब वो तो बहुत ही रेयर पार्ट है। अगर जैसे मान लो किसी ने तुम्हें इक्वेशन दे भी दी ना, इक्वेशन देने के बाद तुमसे किसी ने एक्स वाई की वैल्यू पूछी, तो पता है कौन से पूछेगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले करवाया था वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई, या फिर वन अपॉन में थ्री एक्स प्लस वाई वन अपॉन में थ्री एक्स माइनस वाई, इस तरीके की जो मैंने तुम्हें चीज़ें करवाई थी उस वो वाली चीज़ों की बात करोगे तो एक बार को पूछ सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन जनरल में देखो तीन तरीके के सवाल आएंगे बेसिकली, एक तो मैंने तुम्हें जो करवाया अपॉन वाला, एक तो वो, दूसरा वो जो हम लोगों ने अभी नहीं सीखा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन में के की वैल्यू निकाल दो या क्या कंडीशन होंगी, तो उस तरीके के सवाल, और तीसरा टाइप है ये वर्ड प्रॉब्लम, और कुछ नहीं आता इस चैप्टर से। सर बोर्ड में भी और एनटीएससी में भी? हाँ दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को जो है बेसिकली वर्ड, हाँ बोलो सर, एनटीएससी में इस चैप्टर से इनइक्वालिटीज भी आती हैं क्या, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज इस वाले चैप्टर में ही नहीं है, इनइक्वालिटीज इस चैप्टर में नहीं है, इनइक्वालिटीज तो मैं अलग से पढ़ानी पड़ेंगी, इनइक्वालिटीज तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो भी लीनियर वाला तो बहुत ही ईजी है, लीनियर वाले में तो मुझे तुम्हें ज्यादा नहीं सिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ सर लीनियर वाला नहीं, लेकिन एनटीएससी के कुछ क्वेश्चन जो इनइक्वालिटीज के होते हैं सर, क्वाड्रेटिक में आएगी ना, क्वाड्रेटिक में आएगी ना वो। Yes. तो क्वाड्रेटिक में सिखा दूंगा मैं तुम्हें, बता दूंगा। ओके सर, अभी जो वर्ड अब 3D ग्राफ भी पढ़ेंगे। किसका? क्या कह रहे हो सर, तीन क्लास में 3D ग्राफ पढ़ेंगे? 3D ग्राफ अभी नहीं, नहीं नहीं टेंथ में नहीं। ओके एक बात और, क्या कहते हैं कि अब ये जो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम वाला जो सीन है ना, ये तुम लोगों को एक बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को एक बार तो समझ में तो आ गई तुम्हें चीज़ें कैसे हैं। अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में अगर मैं सिर्फ मैं ही बताऊँगा तो तुम लोग तैयार नहीं कर पाओगे, ये है खुद से सोचने वाली बात, तो एक बार तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये एक बार ना खुद से करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर नहीं होगा तब तो मैं हूँ ही, लेकिन अगर खुद से करके एक बार ट्राई करोगे ना तो मज़ा भी आएगा कि इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या होना है क्या नहीं होना है, जो चीज़ तुम अब जो जैसे मान लो जो मैं करवाऊंगा तो जो तुम्हें 100 क्वेश्चन में समझ में आएगी, वो क्वेश्चन अगर तुम खुद से करोगे तो 20 क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुम जब यहाँ पर मिस्टेक्स करोगे ना, मिस्टेक्स करोगे एरर करोगे
तो तुम्हें समझ में आएगी यार नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए था, तब जा करके तुम्हें चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे इसमें। तो सर ये चीज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे? ना ना, इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके, देखो इसमें क्वेश्चन लगाए हुए हैं मैंने, मेरे क्वेश्चन, हाँ होमवर्क, इसमें मैंने क्वेश्चन लगाए हुए हैं ये, ठीक है ना, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको ये, लेकिन आपको ट्राई एक बार खुद से करना है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इसके, जो वर्ड प्रॉब्लम है मॉड्यूल में भी दे रखे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको ये सारी के सारे सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक असाइनमेंट जैसे मैंने पॉलिनोमियल का 110 क्वेश्चन का दिया था, इसका भी दूंगा मैं। हाँ एनसीईआरटी में भी है ये। अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल है, देखो जैसे मान लो कि ये नहीं है, कहाँ गए, ऐसा आगे नहीं दे रखा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये एक इस तरीके की चीज है कि आपको लैंग्वेज में फंसाएंगे वो। देखो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, नहीं डन तो हो गया, मैं अभी डन करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ किसी को, मैं करने के लिए बोल नहीं दे रहा अभी किसी को कुछ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक बार खुद से बैठ करके एक बार ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ, एक बार खुद से एक बार ट्राई करोगे ना तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे मान लो कि मैंने कुछ चीजें तुम्हें सिखा दी, मैंने तुम्हें बता दी, वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसमें मेरा होना जरूरी था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें तुम लोगों का होना जरूरी है, जैसे मान लो कि उसकी स्टार्टिंग में ही तुम लोग अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ये मेरे बोलने से समझ भी नहीं आएगा तुम्हें, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तो ये है कि आपको जिस तरीके की कंडीशंस दी गई हैं क्या आप उसकी लैंग्वेज को समझ करके उस तरीके की इक्वेशंस बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। जैसे यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, सम ऑफ डिजिट्स, ये वाला तो अलग हो गया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे भेजूंगा अभी। जैसे यहाँ पर हो गया कि 2 tables and 3 chairs, इन दोनों की जो कॉस्ट आ रही है 2000 आ रही है, अब तुम क्या करोगे इसमें, तुम टेबल की कॉस्ट मान लोगे एक्स, चेयर की कॉस्ट मान लोगे वाई। भाई तभी तो तुमने जब दो टेबल लिए और 3 chair ली तब कितने रुपए का पड़ा, ये 2000 का पड़ा सामान। yes, लेकिन अगर तुमने 3 tables ली, क्योंकि तुमने टेबल तो एक्स मान ली थी, तो 3x प्लस में 2y, 2 chair ली तो कितने की पड़ी, 2500 की पड़ी। तो अब इससे तुमसे क्या बोलेंगे वो कि टेबल का कॉस्ट निकालो और वाई यानी कि इसका कॉस्ट निकालो, तो वो पूछ रहे हैं कि 1 table and 5 chair कितने की पड़ी, तो क्या करना, एक्स प्लस में 5y कैलकुलेट करके दे देना, ये पूछ रहे हो तुमसे, तो वो तो तुम निकाल सकते हो ना यहाँ से। yes. एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे यहाँ से और उन वैल्यूज के यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर निकल आएगा। yes. तो इस तरीके के क्वेश्चन अब तुम देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। okay, कॉन्सेप्ट के नाम पर ही चैप्टर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन के नाम पर अभी बचा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम बची हुई है बस। क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं तो चाह रहा हूँ कि हम क्वाड्रेटिक शुरू कर दें, ठीक है, क्वाड्रेटिक शुरू कर दें नेक्स्ट वीक से। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम बचती है तो हम प्रॉब्लम कर लेंगे इसकी, और क्या। ओके सर, ठीक है। ओके सर, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज भेजा सर, इसे पढ़ लीजिएगा। आपने मुझे टेलीग्राम पर एक मैसेज भेजा है सर, यहाँ मत पढ़िए सर, आप पढ़ लीजिएगा लेकिन बाद। अच्छा नहीं, अब तो मैं यहीं देखूंगा, पहले तो देखूं। ओके ओके ठीक है, मैं पढ़ लूंगा देख लूंगा। ओके थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ठीक है सर, जो डिजिट वाला था उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम मतलब 9 जो सब ट्राई खुद करना है पहले, उसके बाद मेरे से पूछना, ये मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, तुम्हें खुद से एनालाइज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में बस भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इसके भी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन खुद से ट्राई करो एक बार, एक चांस लो खुद से एक बार करके। अलग भी देंगे एक्चुअल में, मॉड्यूल से करोगे तो मॉड्यूल में बहुत कम है, मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो बेसिक से चलेंगे और फिर हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से क्या होता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तुम्हारी। कह रहे हैं रह रहे हैं क्या उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के थे। नो सर, वो कह रहे हैं हार्ड थे, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड थे।
अच्छा मजा नहीं आएगा उन्हें करने में? सर मजा आया सर, कर लिए सर। हार्ड क्वेश्चंस करने में मजा आता है। बस तो फिर ये बोलो ना, हार्ड क्वेश्चन करने में मजा आता है। सर डिजिट वाले का सिखाया, देखो मैंने सिखाया सिखाया है तो पूछूंगा ना हार्ड। सर थोड़े इजी भी दे देना। ठीक है ओके सर। सर जब मैं हार्ड क्वेश्चन लेके बैठता हूँ तो सर मुझे सर अप्रोच नहीं पता सर, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ सोचता ही नहीं है दिमाग में। अगर जैसे मान लो कि तुम हार्ड क्वेश्चन लेकर के बैठते हो और समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए पता क्या है, कभी भी ना कभी भी किसी भी बच्चे के साथ, जो भी जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप सीधा हार्ड क्वेश्चन लेकर के बैठते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, तो उसके लिए ना एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन जेन्युइन प्रोसेस है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि ना एक्चुअल में लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है किसी भी लाइन में अगर आप जाएंगे तो। एक चीज़ होती है, हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती हैं आपके पेरेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती हैं एक्चुअल में। जैसे मान लो कि कोई भी काम आप कर रहे हैं लाइफ में, आपको वो काम करने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्यों आपको नहीं पता है कि आप थोड़ी सी कोई सी भी चीज़ हो गई तो आप घबरा जाते हो या फिर आपको लगता है कि यार ये चीज़ हैंडल नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आपसे कोई बड़ा है, आपका बड़ा भाई है या कोई भी है, तो उसको पता है कि यार ये चीज़ हैंडल कैसे करनी है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो चीज़ कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यही चीज़ जो लाइफ में हो रहा होता है वही मैथ्स में लग रहा होता है। मैथ्स में क्या होगा कि जैसे मान लो कि उस तरीके के क्वेश्चन आपने हल्के फुल्के भी कर रखे हैं तो आप उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बिल्कुल लो लेवल से शुरू करना होगा, और लो लेवल से करते 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 धीरे 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 जब जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना तो उससे तुम्हारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि तुम लो लेवल से बढ़ते बढ़ते तुम क्वेश्चंस करते आ रहे हो ना, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हारे दिमाग में रहेगी कि मैं जो क्वेश्चन करता हूँ वो मेरे से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एज कम्पेयर तुम ये सोचो कि तुम 50 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन कर लो, तो लेकिन तुम्हारे दिमाग ने तो एक्सपीरियंस लिया ही नहीं क्वेश्चंस करने का, अब तुम डायरेक्टली सोचोगे कि सीधा क्वेश्चंस कर लें तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ बच्चों का क्या होता है कि कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, उनके लिए सिर्फ क्वेश्चन करना वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है। टैलेंट एक अलग चीज़ होती है और हार्डवर्क एक अलग चीज़ होती है, तो आप लोग हार्डवर्क करके टैलेंट को बीट कर सकते हो। हाँ तो अब आपको करना पड़ेगा कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि आप लोग जो दूसरा वाला बंदा है जो ठीक है कर पा रहा है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना, क्या पता आप किसी और चीज़ में जल्दी कर पाओ, वो बंदा कम कर पाए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन तो अभी है ना, तो आपको क्या सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे ट्राई करना है। ईजी क्वेश्चन उठाओ, लो लेवल से क्वेश्चन उठा करके ऊपर लेकर के जाओ, तब जा करके पता चलेगा। डायरेक्टली अगर हाई लेवल पर कूदोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर सिर्फ ईजी ही करते रहे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपको लगेगा लेवल ही ये है। यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल रेज करना पड़ेगा अपना धीरे धीरे करके। जैसे मान लो कि मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा ना आपको अभी, इस वाले ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, अगर मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा आपको तो मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस, लेकिन लो लेवल से फिर हाई लेवल की तरफ जाते हुए क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आपको धीरे 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 आप लोग हैबिचुअल हो पाओ कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या होती है, उनका कहने का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे एटलीस्ट वर्ड आएगा, एटमोस्ट वर्ड आएगा, मल्टीपल आएगा, डिविजिबल आएगा, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, उनके जब आप लो लेवल वाले सवाल करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। फिर जब वो टफ लेवल पर आएंगे वो क्वेश्चन, लैंग्वेज और ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि आपने उससे जब छोटे लेवल के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने कर लिए, तो आपको सेंस क्लियर है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना सीखना है, ठीक है। यस सर। ओके सो क्वेश्चंस देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ बोलो सर, आप मेंटल एबिलिटी कब शुरू करोगे? मेंटल एबिलिटी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना पड़ेगा। सर ये तो मेंटल एबिलिटी करेंगे, कर रहे हैं सर। मैथ के लिए रीजनिंग भी कराएंगे? मैथ के लिए रीजनिंग भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कराऊंगा, लेकिन हाँ होगा वो। ओके सर, ठीक है ना। ओके सो चले, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ओके थैंक यू सर, बाय 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 टू ऑल ऑफ यू। ओके मेंटिगोस कह रहे हो, मेंटिगोस मेंटिगोस किस चीज का, मेंटिगोस कर लें? यस सर। पहले पॉलीनोमियल का कर लेते हैं। यस सर। उसका लीनियर इक्वेशन का भी कर लेंगे, बताओ। यस सर। आज
तो सारे बच्चे आएंगे यार तब करेंगे यार, उस दिन भी 30 30 35 ही आए थे तुम सारे मेरे ख्याल से, 40 43 44 हो तुम सर। कब कब? यू आर अ गुड क्वेश्चन। कल करे, दिन में करे कल? कल 12 बजे सर? 12 बजे नहीं सर, क्लास सर संडे को रख लिए। शाम को 6 बजे करें सर? कल तो छुट्टी है, कल कर लीजिए। कल शाम को 6 बजे करें? शाम को 6 बजे करें कल? यस सर, सही है। 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 बजे बताओ 7 बजे? यस सर, शाम को 7 बजे। ओके सर, ठीक है, शाम को 7 बजे कल मेंटी है, पॉलिनोम मिलेगा। ओके यस सर। और सर एक और चीज सर, बोलो सर। बोलो 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 सर, मेरा वो हो गया, मतलब जो दोनों क्वेश्चन हो गए सर, एक बार बता दूं? नहीं। ओके सर, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है सर? बोलो सर, आप मेंटी परसों ले सकते हैं? ये ना, अब तुम ड्रामे कम करो, कल होगा शाम को 7 बजे, आई समझ? कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं। एक तो मुझे समझ में आया, एक घंटा भी नहीं चलना वो पूरा, और तुम लोग उसमें कल परसों कर रहे हो। नंबर ऑफ मेंटीज मेरे हिसाब से, पता है अपन लोगों को क्या करना चाहिए था? अबे मेंटी में कुछ है थोड़ी ना, अब वो तो अपन लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उसको हम ज्यादा भी कर सकते थे, रियल नंबर का जैसे 2-3 कर लेते और पॉलिनोमियल का भी बढ़ा सकते थे। लेकिन तुम वो बढ़ाने के चक्कर में तुम एक जो हो रहा होता तुम उसमें भी टाइमिंग इधर उधर कर देते हो सर। बोलो सर, क्वेश्चन ज्यादा से रखना, क्वेश्चन सर 30-40 क्वेश्चन रखूं? नो सर, सर 10 ही ठीक। ये भाई ये तो भरा पड़ा है, जैद तो भरा पड़ा है पूरा। सर 15 ठीक कर दो। मानस कुछ कह रहा था, मानस के 15 मेरे ख्याल इनफ है, 15 इनफ है। यस सर, क्योंकि सर 10 में सर 10 के 10 करेक्ट होने के चांसेस होते हैं सर, जितने क्वेश्चन बढ़ेंगे उतना गलती होने के चांस भी बढ़ता है। और ठीक है, देखो कृष्णा कह रहा है 50 कर लो। 50 नहीं बेटा, बेटा जो तुम कह रहे हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। यस सर, ठीक है। यस सर, बाय सर, बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड इवनिंग सर। पॉलिनोमियल का कल पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, लिंक भेजूंगा। सब लोग लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, सबको बुला लेना, ठीक है? यस सर। ओके बाय सर, बाय सर, गुड इवनिंग, बाय टू ऑल ऑफ यू सर। हाँ बोलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बाय एवरीवन।